सभी शिक्षक शिक्षिकाएं ध्यान दें, प्रकरण CCL यानी बाल देखभाल अवकाश चाइल्ड केयर लीव के संबंध में दिशा निर्देश। आप सभी संज्ञानित होंगे कि CCL यानी बाल देखभाल अवकाश की प्रक्रिया में आंशिक परिवर्तन हो चुका है और ये आप समस्त शिक्षकों को संज्ञानित भी होना चाहिए। CCL हेतु आवेदन में निम्न बातों का ध्यान रखें। समस्त सहायक अध्यापक रिपोर्टिंग ऑफिसर हेड टीचर को बनाएंगे, हेड टीचर फिर खंड शिक्षा अधिकारी को फॉरवर्ड करेंगे, तत्पश्चात खंड शिक्षा अधिकारी अधोस्ताक्षरी BSA को फॉरवर्ड करेंगे, फिर इस पर मेरे द्वारा नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा। दूसरा बिंदु, जिन विद्यालयों में हेड टीचर नहीं है और सहायक अध्यापक ही इन चार पद पर कार्यरत हैं, तो ऐसी स्थिति में इन चार प्रधान अध्यापक संलग्न डॉक्यूमेंट में इस बात को मेंशन करेगा कि इंचार्ज अध्यापक पद पर कार्यरत हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, प्राय देखा जाता है कि जल्दबाजी में अधिकांश शिक्षक CCL अवकाश आदि लेने के चक्कर में चिकित्सक का परामर्श पत्र तक भी नहीं लगा रहे हैं और बिना परामर्श पत्र चिकित्सक के अवकाश स्वीकृत किया जाना संभव ही नहीं है। उपरोक्त इन्हीं प्रमुख कारणों के अपूर्ण होने की वजह से अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवकाश निरस्त किए जा रहे हैं। आप शिक्षकों द्वारा नियमानुसार प्रक्रिया को पूर्ण भी नहीं किया जा रहा है और अनावश्यक रूप से इधर उधर से कॉल भी कराई जा रही है, जो कदापि उचित नहीं है। विभागीय दिशा निर्देशों के आलोक में ही कार्य किया जाएगा। जिला वैश्याधिकारी जनपद कानपुर देहात। और ये साथियों, मानव क्षमता के अंतर्गत समस्त अवकाश संबंधी अन्य नियम यानी कैजुअल लीव पर आकस्मिक अवकाश संबंधी नियम, आकस्मिक अवकाश विद्यालय प्रारंभ होने से पूर्व ऑनलाइन आवेदित करें, विद्यालय आरंभ समय के पश्चात आवेदित अवकाश माने नहीं होगा, आकस्मिक अवकाश किसी भी स्थिति में ऑफलाइन नहीं देय होगा। दूसरा, उपार्जित अवकाश यानी अर्न लीव संबंधी नियम, उपार्जित अवकाश स्वीकृत होने तक उपभोग न किया जाए। यदि सिर्फ आवेदित अवकाश के आधार पर विद्यालय से अनुपस्थित पाए जाते हैं तो आप पर होने वाली किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। दूसरा बिंदु, उपार्जित अवकाश देय तिथि से 3 से 4 दिन पहले आवेदित किया जाना चाहिए, क्योंकि उपार्जित अवकाश विभिन्न स्तरों से स्वीकृत किया जाता है जिसमें समय लगने की संभावना होती है। तीसरा बिंदु सी, EL न्यूनतम 3 दिन से अधिक की आवेदित की जाए, 3 दिन से कम EL पर विचार नहीं किया जाएगा। चिकित्सा अवकाश संबंधी नियम, चिकित्सा अवकाश आवेदित करते समय प्रार्थना पत्र तथा किसी पंजीकृत चिकित्सक का परामर्श पत्र यानी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन दोनों की संकलित PDF जो 2 MB से कम बनाकर अपलोड करें। चिकित्सावकाश विद्यालय अवधि प्रारंभ होने से पूर्व अनिवार्य रूप से मानव संपदा पर आवेदित किया जाए, बैक डेट में आवेदित किए गए चिकित्सावकाश पर विचार नहीं किया जाएगा। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आप ध्यान से देखिएगा। चिकित्सक के परामर्श पत्र पर बेड रेस्ट के लिए स्पष्ट लिखा हो, ज्वाइनिंग के समय मेडिकल फिटनेस लगा हुआ होना चाहिए, ताकि फिटनेस नहीं लगा होगा तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा। चिकित्सा अवकाश का उपभोग करने के उपरांत विद्यालय में ऑफलाइन तथा ऑनलाइन मानव क्षमता पोर्टल पर कार्यभार ग्रहण करें तथा चिकित्सा अवकाश लेने संबंधी लगाए गए सभी अभिलेखों की छाया प्रति तथा अवकाश स्वीकृत पत्र की छाया प्रति अपने विद्यालय में सुरक्षित रखेंगे। चिकित्सा अवकाश का दुरुपयोग गलत तथ्य के प्रकाश में आने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बाल देखभाल अवकाश संबंधी नियम, बाल देखभाल अवकाश देय तिथि से 3 से 4 दिन पहले आवेदित किया जाए, क्योंकि अवकाश विभिन्न स्तरों से स्वीकृत किया जाता है जिसमें समय लगने की संभावना होती है। बाल देखभाल अवकाश के अभिलेख, प्रार्थना पत्र, बाल देखभाल अवकाश संबंधित प्रारूप पर विद्यालय के प्रधान अध्यापक द्वारा संस्तुति करा ली जाए। बाल देखभाल अवकाश के आधार संबंधी अभिलेख, यदि अवकाश का आधार बच्चे की चिकित्सा है तो पंजीकृत चिकित्सक का परामर्श पत्र, यदि अवकाश का आधार बच्चे की पढ़ाई है तो बच्चे के विद्यालय का IC तथा परीक्षा सारणी, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, यदि बच्चा 10वीं से ऊपर की कक्षा में है तो हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लगा होना चाहिए। शपथ पत्र में अनिवार्य रूप से आवेदक के सभी बच्चों का उल्लेख किया जाए व सभी बच्चों की जन्मतिथि का उल्लेख हो। बाल देखभाल अवकाश संबंधी प्रारूप पर स्पष्ट रूप से पूर्व में लिए गए अवकाशों का विवरण, वर्तमान सत्र तथा विद्यालय में पूर्व से अवकाश पर चल रहे शिक्षकों का विवरण अनिवार्य रूप से भरा होना चाहिए। प्रसूति अवकाश यानी मैटरनिटी लीव
अवकाश संबंधी नियम, प्रार्थना पत्र, प्रसूति अवकाश देयक संबंधी प्रारूप, चिकित्सक का परामर्श पत्र, अल्ट्रासाउंड की फोटो, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट और पांचवा दस्तावेज रहेगा शपथ पत्र और एबॉर्शन लीव यानी गर्भपात अवकाश संबंधी नियम क्या रहेंगे, प्रार्थना पत्र, चिकित्सक का परामर्श पत्र और शपथ पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। किसी भी विद्यालय में 33% यानी एक तिहाई से अधिक शिक्षक शिक्षिकाएं अवकाश पर नहीं रहेंगे। इन अवकाश तभी दे होंगे किसी भी विद्यालय में यदि पूर्व से दो शिक्षिकाएं बाल देखभाल अवकाश पर हैं, तो ऐसे विद्यालय में किसी अन्य शिक्षिका का बाल देखभाल बालकाल अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। बालकाल अवकाश पर चल रही शिक्षिकाओं की यदि समय पर होने वाले प्रशिक्षणों में प्रतिभाग करने हेतु बुलाया जाएगा तो उन्हें अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। दिशा निर्देश की एक कॉपी प्रत्येक विद्यालय में हार्ड कॉपी में सुरक्षित रखें व दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अवकाश आवेदित करें। नोट, उक्त समय समस्त अवकाश किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन दे नहीं होंगे। समस्त प्रधान अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि वह अपने विद्यालय के समस्त स्टाफ को आवेदित अवकाश स्वीकृत से पूर्व विद्यालय अभिलेखों में दर्ज नहीं करेंगे तथा आवेदनकर्ता आकस्मिक अवकाश चिकित्सा अवकाश को छोड़कर किसी भी प्रकार के अवकाश को स्वीकृत होने से पूर्व उपभोग नहीं करेंगे तथा विद्यालय से अनुपस्थित नहीं होंगे। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश हैं। इन आदेशों को यदि स्पष्ट ना हुआ हो तो पुनः एक बार अवलोकन कर लें और इन बिंदुओं के आधार पर ही आप अवकाश लें और इसी प्रकार की अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। यदि आप चाहते हैं बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई अपडेट्स आपको पल पल की मिलती रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने जो भी क्वेश्चन हैं आप रख सकते हैं। नए वीडियो के साथ मिलकर तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।